हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि रात को कौन सा ब्लॉग, कैसे ब्लॉग शूट कर रहे, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कल जा रहे हैं मॉर्निंग में प्रेशर लेक। तो कल हमें मॉर्निंग में बहुत सुबह जाना है, यहाँ से 2 बजे निकलना है यहाँ से। दादी मम्मी, हमारी पूरी फैमिली जा रही है, तो वो लोग घर से निकलेंगे बहुत जल्दी। सोचो कि 1 बजे वो घर से निकलेंगे और 2 बजे तक वो यहाँ पहुँचेंगे, और 2 बजे हमें निकलना है यहाँ से, तो हमें 2 बजे तक रेडी होना है। तो अभी हम जस्ट, मैं अभी पार्लर से आई हूँ, थक के बुरे हाल हो गए मेरे। सो अब घर जाते ही हमने खाना बनाना है और खाना है। अब मैं अपने रूम पहुँच गई हूँ। सो मैं फ्रेश हो गई हूँ, अभी बस फेस वॉश करने को है, सो मैं करूँगी थोड़ी देर में। तो हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा इतनी सुबह जाने का रीज़न क्या है, हम इतनी सुबह क्यों जा रहे हैं। जाने को हम बाद में भी जा सकते, बट नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे आजकल मेला चला और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है आजकल। दादी बता रही थी मुझे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, बट वो लोग पहले भी गए हैं वहाँ पे, तो उनको पता है। तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, दूर दूर से लोग आए होते हैं, श्रद्धालु लोग आए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेले के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवी देवता आए होते हैं दूर दूर से, तो इसलिए वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए, उनके प्लेस तो अच्छा है ही, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस करके वहाँ पे ट्रैफिक होता है, बहुत बुरी हालत होती है। अगर हम जल्दी जाएंगे तो हम शायद वहाँ तक गाड़ी पहुँचा पाएंगे, बिकॉज़ ट्रैफिक के कारण नहीं तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी, हमें पीछे ही रुकना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा हमको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, तो हम चल नहीं सकते इतना ज़्यादा। तो यही रीज़न है मेन हमारा जल्दी जाने का सुबह। तो फिर हम दादी मम्मी का वेट करेंगे, मम्मी नहीं आ रही, मेरे दादी आ रहे हैं और बुआ वगैरह आ रहे हैं। मैं आपको कल दिखाती हूँ, सबसे मिलवाती हूँ कौन कौन आ रहे हैं, बाकी मुझे थोड़ा खुद भी पता नहीं कि कौन कौन आ रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है, अभी टाइम होता है 3 बज गए हैं, और हमने आपको बोला था रात को कि हम 1:30 बजे उठने वाले, तो 1:30 बजे कोई भी नहीं उठा, उठे थे, अलार्म रखा था, हमने उठे थे, बट आधा घंटा फिर से सो गए हम, क्योंकि आँखें नहीं खुल रही थी, मेरी आई स्वेलिंग दिखाई दे रही है आपको, स्वेलिंग हुई है क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट हुए थे। सो गाइस, सुबह के 4:30 पे हम पहुंच गए हैं जीजू की गाड़ी में, ये कुदीका है, ये लोग अभी अभी पहुंचे, हम लोग इनका कब से वेट कर रहे थे, इन्होंने हमें सुबह जगा के रखा, बट लगा तुम पहले फिर अच्छा नहीं लगा, सिंदूर फिर मैंने मिटा दे, पहले लगा तुम नहीं सिंदूर लगाते अच्छा लगने के लिए। नमस्ते जीजू, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, हम लोग पहुंचे हैं अभी कंडी में, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय पीने के लिए रुके हैं, देन उन लोगों का वेट भी करके, वो लोग बहुत पीछे आ चुके हैं अभी, इधर देखो जो वीडियो बनाने में चालू है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी
गाड़ियों को बस यहीं पे पार्क किया जा रहा है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा रश है। तो गाइस यहाँ से आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा राशन लेक तक, 2 किलोमीटर तो हो गई, इतना चलना पड़ेगा पैदल। बाकी कुछ एक आगे चले गए, कुछ एक पीछे और हम लोग बीच में, तो हम लोग अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऊपर पहुंच तक देखिए जो आपकी हील्स है ना, हील्स ही हील्स टूट जाएगी ना, खाली चप्पल बचेगा। मार्क्स मेरे मुंह में यही बात थी, मैं बोलने वाला था, आपने बोल दिया। मम्मी कसम जितनी कम देता है जितनी जितनी ये है मेरी बुआ जी एंड ये है भावना, इसको जानते हैं सारे। आज बरसे कम नहीं आ गए आप, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आलिया भट्ट की अभी अंकल वाली यहाँ से कि आइसक्रीम यहाँ गिरते हुए ये खाली हो गई है।
मेरी नहीं दिखा, ये खा ले, मेरे डब्बा पर दो, मेरी भाई खा ले। गाइस तो ये जो पराशे में जो मेला होता है इसको मिनी बाजार भी हम बोल सकते हैं, मिनी बाजार भी बोल सकते हैं। उस साइड से ऊपर ही ऊपर ही जूते पहन चला, अब हम पर जाएंगे। बारिश से बचते हुए नहीं भीगते हुए, हां भीगते हुए। जब तक गाइस मैं अपने व्लॉग का एंड करने वाली थी तब तक मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ख़त्म हो चुकी थी और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड ओले भी बरस रहे थे काफ़ी, तो ठंड भी हो रही थी, टेम्परेचर बहुत लो पड़ गया था। सो हम फटाफट घर जाने की तैयारी में थे बस, तो फिर मैंने घर आके ही व्लॉग एंड कर दिया अपना। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ बताना कमेंट करके।